नाबालिग लड़की लगभग 4 माह पूर्व गायब हुए, अभी तक नहीं चल पाया पता। उत्तर प्रदेश के जनपद बहरेज तहसील नरपारा के अंतर्गत ग्राम रमापुर धोबिया हर प्रतिवी मजदूर करने के लिए जम्मू तवी जाता था। 20 मार्च को लखनऊ से 6:50 को जम्मू तवी के लिए बैठा था। ट्रेन में ट्रेन का नाम बनारसी बेगमपुर एक्सप्रेस को जब ट्रेन बदायली जंक्शन पहुंची तो 9:30 शाम तक अपनी छोटी बहन से आरती पानी पीने को बताकर नीचे उतरी। तभी ट्रेन बरेली से कुछ छूट गई और बरेली से आरती पुत्र ननको गायब हो गए, जिसकी सूचना 21 मार्च सुबह 8:00 जी आरपी बरेली जंक्शन को दिया। घटना के बाद प्रति वापस घर आई। प्रतिदिन ननको पुत्र गायब प्रसाद लॉकडाउन के कारण दोबारा बरेली जंक्शन काफी दिन बाद पहुंचा। 12 जून 2020 को पहुंचा तो वहाँ अज्ञात के नाम FIR पंजीकृत कर दिया गया। इसके बाद अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। लड़की के पास भी एक मोबाइल था। बरेली जंक्शन पुलिस लड़की को ढूंढने के नाकाम साबित हो रही है। अब देखना यह कि खबर चलने से प्रशासन क्या उचित कार्रवाई करती है। पृथ्वी ननको पुत्र गाया प्रसाद निवासी रामपुर धोबिया तहसील ननपरा थाना खैरेघाट जनपद बहराइच। राजीव कुमार सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मंजू। गांव कौन सा है? रामपुर धोबिया। थाना कौन सा लगता है? खैरेघाट। जिला क्या है? जिला बहराइच। तो एक क्या समस्या आपकी? ये हम लखनऊ से हम चले थे तो लखनऊ से चले थे फिर हम बरेली से जब पहुँचे फिर वहीं से 9:30 के 9:30 की रात है वहाँ पे जो ट्रेन रुकी वहीं से मेरी आरती बहन गायब हो गई। आप कौन कौन थे साथ में? हम थे मम्मी के सारे परिवार थे साथ में। सारे परिवार साथ में। कई तारीख की घटना है? 20 मार्च को। 20 मार्च को। मतलब वहाँ पे फिर पुलिस को कुछ वहाँ पे सूचना दिया आपने? हमने ये पापा ने वहाँ बरेली में जाकर वहाँ रिपोर्ट भी की तो वो कार्रवाई नहीं करने को। जैसे घटना को 4 महीने हो गए। हाँ, 4 महीने हो गए तो बीच में आप लोगों ने कुछ नहीं कम्प्लेंट किया? की थी, पापा ने गए थे। अच्छा किया? हाँ, तो कोई नहीं सुनवाई कार्रवाई करी, कोई कार्रवाई नहीं। पहले बोले लोकेशन निकला है फिर वो जब मम्मी पापा गए तो बोलते हम आपके कहना कोई नहीं मानेंगे, हम लड़की नहीं ला सकते हैं। पुलिस वाले बोल रहे थे, बरेली वाले पुलिस बोल रहे हैं। यहाँ स्थानीय थाने ने आप लोगों ने सूचना दिया है? कहाँ पे? यहाँ थाना कहाँ पे लगता है? पहली बार यहाँ पे। तो यहाँ पे चलिए। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार। गांव कौन सा पड़ता है? रामपुर धोबिया। जिला थाना को क्या लगता है? थाना लगता है खेरी घाट। जिला क्या है? बहराइच। क्या हुआ, क्या मामला है? हम यहाँ से चलते जा रहे हैं जम्मू जी, लखनऊ पहुँचते हैं, वहाँ से मैंने बैगमपुरा में बैठा जी, तो हम 6:30 वहाँ से चला बरेली पहुँचे 9:30 के लिए। पहुँचने पे लड़की उतरी पानी पीने के लिए। अच्छा, हम मुझे पता नहीं चला गाड़ी चल पड़ी। जब गाड़ी मुरादाबाद पहुँचने वाली हुए तब मुझे पता चला, तो मैं वहाँ से फिर उतर दिया, वापस आया। वापस आने के कारण मैंने बरेली से पहुँचा तो वहाँ मैंने उनको सोची थी, सोची का कारण मुझे वापसी नहीं दिया। मैंने फोटो ले लिया लड़की का और लिख लिया, बोले आप जाओ हम लड़की पढ़ाने को। कितने तारीख की घटना है? 20 मार्च को। मतलब 4 मुझे सोचना दिया 21 को। तो फिर वहाँ से उसने बोले आप जाओ लाभ दिन हो रहा है चले जाओ। और जब हम सोचना उसकी मिलेगी बस हमको फोन करके बुला लेंगे। मुकदमा कब पंजीकृत हुआ था जी? मुकदमा उसी टाइम हुआ था 21 तारीख को 21 मार्च को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, मतलब अभी तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में खैर हमने लॉकडाउन की वजह से नहीं पहुँच पाया। उसके बाद में जब लॉकडाउन खुला तो हमने 12 जून को वहाँ पहुँच गया, फिर से रिपोर्ट किया 2 बजे को, तब उसने हमको काफ़ी वापसी दिया। उसके बाद में शुक्रवार को फिर से उसने बुलाया कि हमने लड़की को पता दिया, खबर दिया, तो आप आओ, आप लड़की को पहचान जाओगे, तो हम चक्के ले आते हैं। वहाँ जब पहुँचा तो उसने फिर से बोलते हैं कि लॉकडाउन हो गया, अब वापस।